हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लीज अकाउंटिंग का टॉपिक ऑपरेटिंग लीज, और देखेंगे कि लेसर जो है वो अपनी बुक्स में किस तरीके से ऑपरेटिंग लीज की एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। तो जब मैंने आपको लेसी की बुक्स में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग लीज होता है, ये भी एक तरीके का नॉर्मल रेंट अग्रीमेंट ही होता है, जहाँ पे हम लोग किसी एसेट को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रेंट पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी लीज रेंट पे करता है उसके लिए वो एक्सपेंस होता है, और जिसको भी वो रेंट रिसीव होता है, रेंटल पेमेंट्स रिसीव होती है, उसके लिए वो इनकम होती है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, लीज रेंटल इनकम के ड्यू करने की। तो जैसे आपको लेसी के केस में याद होगा, तो वहाँ पे हमने लीज रेंटल्स को ड्यू किया था सबसे पहले, कि जो भी आपने लीज रेंटल्स पे करने हैं, रेंट पे करने हैं, आप उसको ड्यू करोगे। सिमिलरली लेसर भी क्या करेगा, उसके लिए जो लीज रेंटल्स है वो इनकम है, तो वो इनकम को पहले ड्यू करेगा। तो वो क्या करेगा, टू लीज रेंटल इनकम, क्योंकि इनकम है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी हमारी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, और डेबिट किसको कर देगा, रिसीवेबल को, यानी कि ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल अकाउंट। इसकी जगह वो उस पार्टी का नाम भी लिख सकता है जिससे हमने लीज रेंट लेना है। जैसे कि अगर एक्स लिमिटेड को आपने लीज पे सामान दिया है, तो आप यहाँ पे एक्स लिमिटेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेसी का नाम आ जाएगा। सेकेंड हमारी एंट्री हो जाएगी कि जब वो हमें पेमेंट करेगा। तो जब हमें लीज रेंटल रिसीव हो जाएंगे, तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमने ड्यू किया, ड्यू करने के बाद जब हमारी ड्यू की पेमेंट की डेट आ जाती है, तो फिर हमें वो लीज रेंटल्स पे कर देगा। तो जब वो हमें पे करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो भी हमने यहाँ पे रिसीवेबल अकाउंट ओपन किया था, यानी कि ड्यू किया था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल अकाउंट। तो हमारा लीज रेंट हमें पेमेंट मिल गई। जब ये दोनों एंट्रीज हो जाती हैं, तो थर्ड एंट्री लेसी के केस में क्या था, कि जो भी हमारा लीज रेंटल इनकम था, हमने इस अकाउंट को क्लोज करना होगा, क्योंकि ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हम इसे क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग टू द पीएनएल अकाउंट। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू द पीएनएल अकाउंट। अब यहाँ पे पीएनएल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इनकम है, वहां पे डेबिट हो रहा था लेसी के केस में, क्योंकि लेसी के लिए वो एक्सपेंस था। तो पीएनएल अकाउंट में जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे, तो हम इसे क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, इसलिए पीएनएल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट थ्री ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सेम है इन केस ऑफ लेसर एंड लेसी, बस वहां पे वो उसके लिए एक्सपेंस था और यहाँ पे इसके लिए वो इनकम है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी, दैट विल बी द डेप्रिसिएशन। अब देखो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो लेसर ही चार्ज करेगा, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज के केस में यहाँ पे जो लीज लेसी होता है वो इसका ओनर नहीं बना। ओनर कौन है, लेसर ही तो है ओनर, यानी कि जिसके पास, जिसकी बुक्स में अभी भी एसेट दिखाई दे रही है, उसी की तो एसेट है ना। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, लेसर ही तो चार्ज करेगा, क्योंकि बुक्स में अभी भी जो एसेट है वो इसी की है, और यही उसका एक्चुअल ओनर भी है, ठीक है। तो यही इसका एक्चुअल ओनर है, इसने सिर्फ एसेट को यूज करने के लिए दिया है, वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, जबकि फाइनेंस लीज में कौन चार्ज करता है डेप्रिसिएशन, लेसी। तो फाइनेंस लीज में और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंस यही होता है कि अगर हमारा फाइनेंस लीज है, तो यहाँ पे लेसी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, और अगर हमारा ऑपरेटिंग लीज है, तो यहाँ पे लेसर चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेसर होगा वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लीज एसेट अकाउंट। तो जो भी आपने एसेट को लीज पे दिया है वो क्रेडिट हो जाएगी, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे लीज एसेट इसलिए लिखा है ताकि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये कोई नॉर्मल एसेट नहीं है, दिस इज दी एसेट जिसके हमने लीज पे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम लीज वर्ड को ऐड कर देंगे साथ में। और जब हमारा ईयर एंड हो जाता है, तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपने ये जो फाइव एंट्रीज है ये पास करनी है अपनी बुक्स में लेसर ने। तो सबसे पहले वो लीज रेंट को ड्यू करेगा, फिर उनकी पेमेंट रिसीव करेगा, फिर अपना जो भी लीज रेंट था उनको पी एंड एल में ट्रांसफर कर देगा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि जो मशीन का आउटपुट है, जिसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 5 साल की है, वो पहले साल में 5,000 का आउटपुट, दूसरे साल में 15,000 का, तीसरे साल में 20,000, फिर 8,000 और 2,000। इस तरीके से एक जो मशीन है, हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि वो मशीन अपनी 5 साल की लाइफ में इस तरीके से प्रोडक्शन कर सकती है। मशीन को हमने लीज पे दिया, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए, यानी कि जो मशीन है वो सिर्फ 3 साल के लिए हमने लीज पे दी है, जबकि उसकी टोटल लाइफ 5 ईयर्स है। हमने Z को जो है वो ऑपरेटिंग लीज पे मशीन को दिया है, और हमने उसको बोला कि आपने हमें इक्वल
लीज पेमेंट्स करनी है, यानी कि जो भी लीज रेंटल आप पे करोगे वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि पहले 5,000 फिर 10,000 फिर 15,000 फिर 20,000, जो भी लीज रेंटल होंगे वो इक्वल ही हमें कैलकुलेट करना है। और उसने बोला कि जो लीज रेंटल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि हमें जो कॉस्ट है एसेट का, यानी कि 4 लाख रुपीज़, उसके ऊपर हमें 25% प्रॉफिट भी हो जाए। तो यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़, क्योंकि 4 लाख की कॉस्ट है, 4 लाख की कॉस्ट का 25% यानी कि 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है पहले 3 साल के लिए, लीज रेंट निकालना है, और हमें जर्नल एंट्रीज भी देनी है सिर्फ 1 ईयर के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन था वो मैंने सारा एक पेपर पे नोट कर लिया। इससे क्या होता है कि मुझे क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करना पड़ता। तो इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर्स है, एस्टिमेटेड आउटपुट 5 ईयर्स का ये हो गया, लीज टर्म 3 ईयर्स का है, जो भी लीज रेंट होंगे वो हमारे इक्वल निकालने हैं, और मशीन का जो कॉस्ट है वो 4 लाख रुपीज़ है। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले पूछा था कि आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मशीन का कॉस्ट कितना है। तो मशीन का कॉस्ट उसने बोला था 4 लाख रुपीज़ है, तो हमने लिख दिया कि जो आपकी मशीन है उसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपीज़। इसके बाद उसने बोला था कि जो भी मशीन पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इज बेस्ड ऑन द आउटपुट, यानी कि मशीन पे डेप्रिसिएशन के लिए कोई रेट नहीं पता। अगर रेट पता होता तो हम सीधा कॉस्ट का वो रेट लगाते और हमारा SLM या WDV से डेप्रिसिएशन आ जाता। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि आपने आउटपुट के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखिए आउटपुट कितना था, आउटपुट है 5,000, 15,000, 20,000, 8,000 और 2,000। तो अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो मुझे पता चलता है कि जो टोटल आउटपुट है वो आता है 50,000 रुपीज़। तो यानी कि 50,000 यूनिट्स में है ये, तो 50,000 यूनिट्स का आउटपुट है और 4 लाख की कॉस्ट है। तो मैं कह सकती हूं कि डेप्रिसिएशन एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा। तो देखो 4 लाख की मशीन की कॉस्ट है और अगर आप टोटल उससे 50,000 प्रोडक्शन करोगे तो एक यूनिट का आपको कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइड बाई 50,000 रुपीज़, 50,000 यूनिट्स। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि एक यूनिट को बनाने के लिए आपका 8 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो सिमिलरली मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेती हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए कितना है, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट से, तो पहले साल में आपका आउटपुट 5,000 है, फिर 15 और फिर 20,000। तो यानी कि पहले साल में 5,000, फिर 15,000 और फिर 20,000। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका एक यूनिट का डेप्रिसिएशन 8 रुपीज़ है, तो 5,000 की प्रोडक्शन करोगे तो कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 40,000 रुपये। सिमिलरली एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपका 8 रुपये का डेप्रिसिएशन है, तो 15,000 प्रोड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज़। अगर आपको एक यूनिट का डेप्रिसिएशन 8 रुपीज़ है, तो अगर आप 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको हो जाएगा 1,60,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। इसके बाद क्वेश्चन ने हमसे डिमांड किया है लीज रेंट पेमेंट्स निकालनी है, कि उसको हर साल कितना लीज रेंट पे करना है। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आपने लीज रेंट निकालना है। लीज रेंट के लिए क्वेश्चन ने बोला था कि बाय जेड लिमिटेड फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल्स टू यील्ड 25% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। यानी कि वो कह रहा है कि जो भी कॉस्ट है 4 लाख का 25% आपका प्रॉफिट होना चाहिए आपको लीज रेंट के ऊपर। तो देखिए कंप्यूटेशन ऑफ लीज रेंट मैंने लिखा, तो टोटल रेंट वो उनसे कितना कह रहा है कि 4 लाख की जो कॉस्ट है इसके ऊपर मुझे 25% चाहिए, यानी कि 25% ऑफ 4 लाख, यानी कि टोटल रेंट कितना वो मुझसे चाहता है, 5 लाख रुपीज़। लेकिन अगर आपको पता हो तो जो 5 लाख रुपीज़ वो मुझसे चार्ज करना चाहता है इसके ऊपर कितना एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है। तो अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन इस मशीन से 50,000 की होगी। तो अगर मैं लीज टाइम की बात करूँ, लीज पीरियड की बात करूँ कि लीज पीरियड में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा, तो वो तो पहले 3 साल ही यूज़ होगा। तो इनको आप ऐड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 40,000 रुपीज़। यानी कि टोटल एक मशीन 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जब आप मुझे मशीन सिर्फ 3 साल के लिए ही दे रहे हो तो 3 साल में मैं 40,000 ही तो प्रोड्यूस कर पाऊंगी ना। तो मैं लीज रेंट कितना लूंगी आपसे कि सर 5 लाख जो है वो आप तब ले सकते हो जब आपकी यूनिट्स, जो आपकी मशीन है वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, लेकिन जब आप मुझे दोगे तो मैं तो सिर्फ 40,000 ही प्रोड्यूस कर पाऊंगी ना, क्योंकि 3 साल के लिए लिया है। तो यानी कि आप मुझसे कितना लीज ले रहे हो, 4 लाख रुपीज़। यानी कि 4 लाख रुपए का उसने टोटल मुझसे लीज लेना है, लीज रेंट लेना है फॉर 3 ईयर्स। सो दिस इज रुपीज़ 4 लाख
फॉर 3 ईयर्स। तो अगर मुझे एनुअल लीस रेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा कि 4 लाख रुपीज़ डिवाइडिंग इट बाई 3, तो टोटल मुझे पता चल गया 133,333, यानी कि 1,33,333 रुपीज़ वो मुझसे एनुअल रेंट चार्ज करेगा। मैं दोबारा से बताती हूँ हमने क्या किया। उसने बोला था 4 लाख रुपीज़ का मेरा कॉस्ट है मशीन का, इसके ऊपर आपने मुझे 25% का प्रॉफिट अर्न करके देना है, तो मुझे लीज रेंट पे हो जाएगा। तो हमने निकाला कि जो अगर आप 4 लाख की मशीन को 25% पे लीज पे दोगे तो आपका टोटल वैल्यू बनती है 5 लाख रुपीज़। लेकिन ये जो टोटल वैल्यू आप 5 लाख रुपीज़ है, ये आप तब ले पाते जब आपकी मशीन की लाइफ 5 ईयर्स है और आप इसे लीज पर भी 5 ईयर्स के लिए दे रहे हो। लेकिन मशीन तो आप सिर्फ 3 ईयर्स के लिए दे रहे हो, और 3 ईयर्स में कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, 40,000। तो आप लीज भी तो उसी के अकॉर्डिंग लोगे ना जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो 50,000 प्रोड्यूस करता तो आपका टोटल कितना लीज बनता, और 40,000 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, तो 40,000 के अकॉर्डिंग आपका जो लीज रेंट बनेगा वो बनेगा 4 लाख रुपीज़। तो ये जो 4 लाख रुपीज़ आप उसे 3 सालों के लिए ले रहे हो, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडिंग इट बाय 3, तो 1,33,330 रुपीज़ इज़ द लीज रेंट। अब देखिए, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछा है कि हमें जर्नल एंट्रीज देनी है इन दी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जो कि हमारा लेसर है। तो लेसर अपनी बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेगा, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहली एंट्री थी हमारी लीज को ड्यू करने की, जो भी हमारा रेंट है उसको ड्यू करेंगे। तो क्योंकि उसके लिए रेंट एक इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और लेसी से लेना है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो पहली जो लीज पेमेंट थी वो हमारी कितने की थी, 1,33,333 रुपीज़ की। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1,33,333। जब ये उसने ड्यू कर दिया तो उसके बाद पेमेंट की डेट आएगी, और वो पेमेंट ले लेगा लेसी से, तो बैंक अकाउंट क्योंकि उसका बैंक पड़ जाएगा, और लेसी अकाउंट क्योंकि अब उसका जो रिसीवेबल था वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे सेम अमाउंट आ जाएगा 1,33,333 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा ये अमाउंट आ गया। उसके बाद आता है कि जो भी हमने लीज रेंट अकाउंट को ओपन किया था, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो हम इसको क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग टू द पीएनएल अकाउंट। तो लीज रेंट यहाँ पे इनकम था तो इसको क्लोज करने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर देंगे 1,33,333, और पीएनएल में कितना जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आता है कि हम पीएनएल में कितना ट्रांसफर करें, तो इसकी कैलकुलेशन मैं अभी आपको 2 मिनट में बताती हूँ। इससे पहले हम आगे की एंट्रीज कर लेते हैं। तो एग्जाम में भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे छोड़ के इसको आगे कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग लीज था वो लेसी की बुक्स में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो लेसर है वो अपनी बुक्स में 2 एंट्रीज और करता है जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो वो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन टू मशीन ऑन ऑपरेटिंग लीज अकाउंट। तो जो ऑपरेटिंग लीज पे उसने मशीन को दिया है तो वो उसको लिखेगा कि उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ। तो देखो हमने जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किया था तो हमें पता चला था कि फर्स्ट ईयर में 40,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो 40,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगा दिया, और ये डेप्रिसिएशन जो है हम इसे क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग टू द पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन। तो 40,000 रुपीज़। सो दीज आर द 5 ट्रांजेक्शन्स, 5 जर्नल एंट्रीज जो कि लेसर ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे अमाउंट क्या रिकॉर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो सेम यहाँ पे भी फंडा लगेगा कि हमारा आउटपुट कितना है ड्यूरिंग लीज टर्म। तो देखो लीज टर्म पे हमारा आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो आप पीछे देखोगे तो उसने कहा था पहले साल में 5,000 की प्रोडक्शन होती है, दूसरे साल में 15,000 की प्रोडक्शन होती है, और तीसरे साल में जो हमारी प्रोडक्शन होती है दैट इज़ फॉर 20,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारी प्रोडक्शन होती है। तो अगर मैं इनका प्रपोर्शन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 5, 15, 20, और मैं इसे और छोटा करूँ तो ये हो जाएगा 1:3:4, यानी कि 1:3:4 की प्रपोर्शन में हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा जो टोटल लीज होगा वो भी इसी की प्रपोर्शन में हो जाएगा। तो जो टोटल लीज रेंट है 4 लाख रुपीज़ का, वो किस प्रपोर्शन में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। तो आप इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये टोटल हो गया 8 से, ठीक है। तो लीज रेंट फॉर द फर्स्ट ईयर, लीज रेंट फॉर सेकंड ईयर एंड लीज रेंट फॉर थर्ड ईयर कितना कितना होना चाहिए। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 लाख डिवाइडिंग इट बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1, सेकेंड ईयर के लिए 4 लाख डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, एंड थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 8 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। तो अगर आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आ जाएगा दैट इज 50,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट ईयर, 1,50,000 रुपीज़ फॉर सेकेंड ईयर, एंड 2 लाख रुपीज़ फॉर थर्ड ईयर,
यानी कि हमारा जो लीज रेंट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था एज पर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो पहले साल में लीज देना चाहिए था वो होना चाहिए था 50,000, दूसरे साल में 1.5 लाख और तीसरे साल में 2 लाख। लेकिन हमसे वो चार्ज कितना कर रहा है, 1,33,333 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, यानी कि दे मैं ज़्यादा रही हूँ लेकिन देना था कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P&L में आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे P&L में लिख देती हूँ 50,000 रुपीज़, और बाकी का जो बैलेंस है, बाकी का बैलेंस कितना बच गया, 83,333 रुपीज़। ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारा लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट। अब क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ये कहाँ पर शो होगा, हमारा बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में शो हो जाएगा कि हमने लीज जो पेमेंट है वो हमने ज़्यादा ली है इस पर्सन से। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, बनता था 1.5 लाख और लिया आपने इतना, तो जो बैलेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एसेट हो जाएगा, यानी कि वो आप उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, बनता था इतना, ले रहे हो इतना, तो अगेन वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेबिट साइड पे आपका बैलेंस आ जाएगा और वो आपका एसेट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन ने हमसे मुझे 1 ईयर का ही डिमांड किया है, तो मैंने 1 ईयर का ही प्रिपेयर किया है। अगर क्वेश्चन आपसे 3 ईयर्स के लिए मांगेगा तो आपने 3 ईयर्स के लिए ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट ईयर में आपके पास जो बैलेंस है वो क्रेडिट में बच रहा है, बाकी के 2 ईयर्स में आपके पास बैलेंस डेबिट में बचेगा। बाकी की जो एंट्रीज है दे विल रिमेन द सेम, और आपने 5वीं एंट्री पास करनी है फॉर द सेकेंड ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर। सो आई होप आपको ऑपरेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ होगा।